हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है। इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 2021 को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अपडेट ये फ्रेंड्स कि जो भी स्टूडेंट यहां पे फॉर्म को आवेदन करे हैं, अगर उसमें कोई डिफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम है, तो उनका जो है फॉर्म रिजेक्ट होना जो है शुरू हो चुका है। और जिनका भी रिजेक्ट हुआ है उनका यहाँ पे रिजेक्ट लिस्ट आ चुका है। देख सकते हैं हम यहाँ पे पटना का पालीगंज ब्लॉक का जो यहाँ पे मैंने रिजेक्ट लिस्ट निकाला हुआ है, और इसमें काफी बच्चे जो है यहाँ पे रिजेक्टेड हुए हैं। देख सकते हैं इनका रीजन भी बताया गया है कि क्यों रिजेक्ट किए गए हैं और इसका क्या सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। अगर आपका भी यहाँ पे रिजेक्ट हो चुका है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म, तो कैसे आप जो है इसको सॉल्यूशन निकालेंगे और क्या प्रोसेस रहेगा सुधार के लिए, ये हम आपको बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा कैसे लिस्ट को देखेंगे, आप खुद से आप अपना जो है लिस्ट देख सकते हैं, दो तरीका बताऊंगा, एक लॉगिन करके और दूसरा बिना लॉगिन किए हुए आप कैसे अपना जो है रिजेक्टेड लिस्ट को देख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म को फिल करे हुए हैं वो यहाँ पे जरूर चेक करें, मे बी कहीं उनका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं डीएस हेल्पिंग फॉर एवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैंने जो है एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है, आप यूट्यूब पे जाएंगे सर्च करेंगे जॉब स्टॉक बाय दिलीप तो आपके सामने एक चैनल यहाँ पे दिखाई देगा जॉब स्टॉक बाय दिलीप। ये मेरे द्वारा जो है एक नया चैनल स्टार्ट किया गया है, आप इसको भी सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मैं यहाँ पे भी लगातार कई सारे वीडियो वगैरह डाल रहा हूँ, देख सकते हैं आप। दानापुर जोन के बिहार की वैकेंसी है, इंडियन नेवी की वैकेंसी है, भारतीय खाद्य निगम की भर्ती है, वेस्ट सेंट्रल बिहार की 5 वैकेंसी यहां पे निकाली हुई है। तो आप इसको भी सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि डीएस हेल्पिंग फॉरएवर पे जो है कम्युनिटी स्ट्राइक का गाइडलाइंस के खिलाफ जो है स्ट्राइक आया हुआ है, तो मे बी कभी भी चैनल टर्मिनेट हो सकता है। इसलिए मैंने बैकअप में जो ये भी चैनल बनाया हुआ है जॉब स्टॉक बाय दिलीप, आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करेंगे तो आपके सामने ये चैनल जरूर अपीयर होगा। अगर नहीं अपीयर होता है तो आप जो है दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करेंगे, वहां पर मैं जो लिंक दे दूंगा, आप वहां पर भी देख सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चैनल का, आप जरूर सपोर्ट करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि कैसे आपको चेक करना है, रिपोर्ट को कैसे देखना है, लिस्ट को कैसे निकालेंगे, किनका किनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। तो ये वेबसाइट है, आप सबको पता है। इस वेबसाइट पे आने के बाद से फ्रेंड्स आपको ऊपर में एक रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, यहां पे आपको आना है। यहां पे आने के बाद से नीचे से दो नंबर ऑप्शन मिलेगा, फाइनलाइज स्टूडेंट रिजेक्टेड अकाउंट रिपोर्ट, आपको इस पे क्लिक करना है। और मैंने आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिया, आप क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट चूज करना है कि आप कहाँ के निवासी हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे गोपालगंज चूज करते हैं सपोज, तो गोपालगंज में आपको ब्लॉक चूज करना है कि आपका ब्लॉक कौन सा है। अगर आप ब्लॉक नहीं भी चूज करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में जितने भी बच्चे फॉर्म को फिल किए हैं और जिनका भी फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, उन सभी का नाम यहाँ पे देखिए शो होगा और यहाँ पे रीजन भी दिखाएगा कि क्यों आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हुआ है। देखिए ये एक स्टूडेंट है जिनका नाम यहाँ पे शो हो रहा है और इनका जो है मोबाइल नंबर, आधार नंबर, एफएससी कोड, सब चीज यहाँ पे जो है मतलब हटा दिया गया है। और यहाँ पे उनका अकाउंट नंबर स्टेटस यहाँ पे दिखा रहा है रिजेक्टेड, और यहाँ पे रीजन बताया गया रिजेक्टेड बाई बैंक, अकाउंट नंबर डज नॉट एग्जिस्ट इन बैंक, मतलब ये कि उनका जो है बैंक अकाउंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और इसीलिए इनका रिजेक्ट किया गया है। और मोस्टली केसेस में देख रहे हैं यहाँ पे सबका जो है यही रीजन लगभग लगभग लगाया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आप शॉर्ट में देखना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे नंबर काफी ज्यादा है, अगले पेज पे भी जा सकते हैं। अब इसके लिए आपको अपना ब्लॉग चूज करना होगा, मान लीजिए हम भोरे चूज करते हैं, सर्च पे क्लिक करते हैं तो भोरे में जितने लोग यहाँ पे फॉर्म का आवेदन कर रहे हैं उनका यहाँ पे देखिए नाम शो हो रहा है और ये में दो लोग यहाँ पे रिजेक्टेड है। सेम उसी तरह से आप जहां भी डिस्ट्रिक्ट का चेक करना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज करेंगे, फिर ब्लॉक चूज करेंगे तो और फिल्टर लग जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद मान लीजिए और फिल्टर लगाना है आपको, तो यहाँ पे अपना यूजर आईडी या मोबाइल नंबर लिख के भी सर्च कर सकते हैं, इससे और ज्यादा आप ही का केवल शो करेगा। तो अपना ब्लॉक का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो उस ब्लॉक में जितने भी लोग आवेदन किए हैं सबका यहाँ पे नाम शो हो जाएगा। अगर आपका नाम यहाँ पे शो होता है तो समझिए आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। अब इसको कैसे सुधार कर सकते हैं अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, ये रीजन यहाँ पे दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया, काइंडली वेरीफाई योर अकाउंट नंबर, इफ एनी क्वारी प्लीज ईमेल एट इतना। तो अगर आपको यहाँ पे रिजेक्टेड है, आपको लग रहा है सब चीज सही है, तो आप जो है इस मेल आईडी पे पोस्ट मैट्रिक हेल्प एट द रेट gmail.com पे आप क्या करेंगे मेल कर सकते हैं और जो है अपनी प्रॉब्लम को रख सकते हैं कि मेरा फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुआ है, मेरा जो है अकाउंट नंबर सब चीज सही है। तो आप बेकायदे मेल लिख के आप जो है प्रॉपर तरीके में मेल आप करेंगे। अगर आप बोलेगा तो मैं अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा मेल करने का तरीका क्या है और कैसे सुधार होगा। तो ये फ्रेंड्स जो है रिजेक्टेड लिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं। दूसरा ऑप्शन ये फ्रेंड्स कि आप जो है आएंगे होम पे और क्या करेंगे लॉग इन करेंगे। अगर आप एससी एसटी आवेदन किए तो इस पर क्लिक करेंगे, बीसीबीसी आवेदन किए तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और उसके बाद से आपको अपना यूजर आईडी पासवर्ड कैप्चा भर के लॉग इन करेंगे तो वहां पे आपको जो है स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे क्लिक करके जो है
आप अपना स्टेटस को देख सकते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये दो तरीका आपको फ्रेंड्स चेक करने का, जल्दी से चेक करें। अगर आपका रिजेक्ट हुआ है तो मेल करें, और आप जो है अभी तक आवेदन नहीं किए हैं तो 31/10/2021 से लास्ट डेट है, जल्दी से आवेदन करें। मैंने लगातार कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, आप वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जॉब स्टॉक बाय दिलीप को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीएस हेल्पिंग फॉरएवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।